हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अंकिता मोदी विद शौर्य। हम नहा के रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ लंच करने के लिए। आज बहुत ही ज्यादा बिजी डे रहने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पे सब अपनी अपनी जगह पे बैठ रहे हैं और मैं भी अपनी जगह पे बैठ चुकी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अंकिता मोदी विद शौर्य। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शौर्य जैसे अभी उठा है, उसको नहला दिया है और अभी वो पी रहा है कॉफी। मैं आ गई हूँ किचन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चॉपर, उसमें ले लिया है ऑनियन कट करके, गार्लिक एंड ग्रीन चिली, इसको मैं चॉप कर लूँगी। ये आज बनने वाला है पैकेट से पनीर बटर मसाला। यहाँ पे तेल गरम होने के बाद ऑनियन, लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है टमाटर और उसके बाद उसमें ऐड कर दिया है मैंने मसाला, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और मैं ऐड करूँगी इसमें एवरेस्ट का ये किचन किंग मसाला, ये भी थोड़ा सा डालूँगी इसमें। तो मैंने ऐड कर लिया है किचन किंग मसाला, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी ताकि मेरा मसाला जले नहीं। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी ग्रेवी मसाले के साथ अच्छे से पक के रेडी हो गई है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपना ये पैकेट पनीर बटर मसाला का। इसको मैंने पानी में ही घोल लिया है, दूध में नहीं। इसको आप चाहे तो दूध में भी ऐड कर सकते हो, मैंने पानी में ऐड किया है क्योंकि उसके बाद मैं एक या दो चम्मच भर के मलाई भी ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मलाई ऐड करने की वजह से ये ज़्यादा गाढ़ी बनती है सब्जी, दूध से वो पतली हो जाती है, इसलिए पानी में कर लिया है। अभी मैंने ऐड कर लिया है 2 बड़े चम्मच मलाई, फ्रेश मलाई ली है मैंने। ये मैंने वो जो अपनी ग्रेवी है थोड़ी उबलने लगी उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है और मलाई को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मलाई डालने के बाद अपनी ग्रेवी उबलने लगी है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये अमूल का फ्रेश पनीर। ये मैंने ले लिया है, 200 ग्राम का है, मैंने आधा ही लिया है। ये मैंने काट के भी लिया है और थोड़ा सा इसको ग्रेट भी कर लिया है। तो ग्रेटेड पनीर और थोड़ा सा पीसेस ये मैं ऐड कर लूँगी इसमें। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं। यहाँ पे हमारी सब्जी अच्छे से उबलने लगी है, साइड में उसका तेल भी छोड़ने लगी है। तो अभी थोड़ी देर उसको पकने देते हैं, उसके बाद उसमें मुझे नमक भी ऐड करना है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना बाकी है। ये थोड़ी है कसूरी मेथी मेरे पास, उसको ऊपर से डाल देते हैं इसके अंदर। नमक और कसूरी मेथी ऐड कर लिया है मैंने, इसको भी मिक्स कर लेते हैं, स्टव ऑफ कर देते हैं। हमारी सब्जी रेडी है। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रायंगल पराठे भी रेडी कर रही हूँ अजवाइन और जीरा डाल के। तो पराठे भी फटाफट से रेडी कर लेती हूँ। Thank you.
हमारी सब्ज़ी तैयार है। तो उसमें हरा धनिया ऐड करना बाकी था, तो वो मैं डाल देती हूँ हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस बनाया है कुकर में, वो अच्छे से पक चुका है। पता नहीं कैमरे में क्यों ऐसा दिख रहा था। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि उससे मुझे जीरा राइस बनाना है। ये अच्छा सा खिला खिला ही बना था, पर कैमरे में अच्छा नहीं दिख रहा है वो। और जीरा डाल दिया है मैंने गरम तेल में, ये डाली मैंने हींग, और ये हरा धनिया है वो भी मैं स्टोव ऑफ करने के बाद डाल दिया है इसमें। अब ये सारा मैं डाल दूंगी राइस के अंदर और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे हमारा जीरा राइस भी रेडी कर लिया है मैंने। अभी ये देखिए, ये शौर्य क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है उसके पापा के साथ, उनकी नकल उतार रहा है। कौन